So, hey guys, what's up? It's your Shruti Goyka. And myself Tushar Singh. And you're watching Discerning Vlogs. So guys, आज का वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा हम लोग क्या करने वाले. तो हमारे पास कुछ टूल्स है, ये एक और ये दो. तो इसी टूल्स के वजह से हम लोग कुछ करने वाले हैं हमारे 220F पे. वैसे हमारे पास अभी 220 दो हो चुके हैं. ये है हमारी वाली दो 220s. एक पूरा वॉक अराउंड ले लेते वैसे इन गाड़ियों का. ये है ब्लैक और ये ब्लू. बहुत ही जल्दी ये दोनों सेम होने वाले हैं. भाई का और मेरा प्लान भी चल रहा है वैसे कि गाड़ियों को सेम करने वाले. तो ओके, तो ये आप जैसे कि देख रहे हो इसका स्पॉइलर पूरा ख़राब हो चुका है. तो अभी हम लोग को इसे स्प्रे करना है. तो जैसे कि हमारे पास अभी एक ये भाई किधर गया वो अपना भाई अपना हाँ. जैसे कि ये जो चीज़ें हमारी इससे हम लोग ये पूरा निकाल देंगे. पहले इसको पूरा क्लीन कर देंगे. जैसे कि आप देख रहे हो पूरा कच्चा कलर है ये. तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे. फिर हमारे पास ये स्प्रे है जो कि रेड कलर का है. ये रेड कलर का स्प्रे अभी हम लोग देखेंगे इसके ऊपर सूट करेगा भी कि यार नहीं यार, क्योंकि ये नियॉन कलर का इसका रिम्स है और गाड़ी ब्लू कलर की है, पूरा नियॉन है और इधर रेड करेंगे तो कुछ अलग ट्राई करेंगे. तो देखते हैं अभी ये गाड़ी सूट करती है कि नहीं. तो चलो पहले हम लोग प्रोसीजर के पास निकलते हैं. तो गाइज़ आपको ये जो स्क्रू है ये खोलना पड़ेगा. इसमें आपको 12 नंबर का रिंग पाना लगेगा, या तो आप टी से भी खोल सकते हो 10 या 12 नंबर के टी से. 12 नंबर का ही टी लगेगा ब्रो. ओके ब्रो, सॉरी मुझे इतना कुछ पता नहीं है मेरे 220 के बारे में. थोड़ा ख़राब हो चुका है वैसे तो ये कलर. गाइज़ आप जैसे कि आपको मैं बता दूँ, थोड़ा कच्चा कलर था, मतलब एकदम प्रोफेशनल वाला कलर नहीं मारा था. एक जुगाड़ समझ लो कि बस अच्छा दिखने के लिए एक जुगाड़ कर लिया था हमने. जब हम लोग इसको रब करना स्टार्ट करते हैं तो चलो इसको रब करते हैं. पूरा कच्चा कलर निकल रहा है. सो गाइस बहुत टाइम रब करने के बाद हम लोग को कुछ ये रिजल्ट दिख रहे हैं. तो हम लोग ने ऑलमोस्ट इसको निकाल ही दिया है. तो चलो अभी इसको स्प्रे करते हैं. स्प्रे पे इसको पहले शेक कर लेते हैं. अच्छे खासे से शेक करेंगे इसको. ऐसा रखते हैं शेक में. ओके, बाजू करते हैं. बाजू में एक बार ट्राई करके देखते हैं कलर. थोड़ा क्लोज लेकर जो थोड़ा सा पानी बच रहा है. तो ये आप देख सकते हो इसका फर्स्ट हैंड है जो कंप्लीट हो चुका है. आप रिजल्ट देख सकते हो. तो अभी हम लोग को 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा इसको पूरा सूखने के लिए. फिर जाके इसके ऊपर हम लोग सेकंड हैंड मारेंगे. सो गाइस फाइनली ये अभी ड्राई हो चुका है. तो आप इसके रिजल्ट देख सकते हो. तो हम लोग पहले क्लियर कर दें, हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं है पर हम लोग ने ट्राई जरूर किया है. तो भी आप ये इसको पूरा देख सकते हो, पूरा रेड हो चुका है. तो मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा ही दिख रहा है. तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक पे. We'll be right back.
सो गाइज अब इसका इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, तो आप इसके रिजल्ट देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइज वैसे तो। मुझे फिलहाल राइट हो चुकी है, तो शायद से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो, तो तुषार भाई आपको मॉर्निंग का भी ये दिखा देंगे। ये देखिए मॉर्निंग में आपको उसका नियॉन प्लस रेड दोनों का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, और ये शायद से मेरे हिसाब से अगर मैं अपने व्यू से देखूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग लग रहा है यार। तुषार आपका क्या कहना है भाई? मुझे काफी अच्छा लगा, कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था भाई, एक्सपेरिमेंट तो इतना प्रॉपर तो नहीं हुआ है हाँ। जैसे प्रोफेशनल करते पर हमारे हिसाब से ठीक ठाक ही हो चुका है भाई। एक सेटिस्फेक्शन मिला हमें कि चलो भाई हमने जो किया एट लास्ट ठीक तो हुआ। सो गाइज वेलकम बैक। तो गाइज आपने रिजल्ट देख के आपको पता चली होगा कि क्या मिला है रिजल्ट। तो जैसे कि हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस तो हुए इस चीज़ के लिए कि हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, और ये पूरा हमारा घर से मतलब यार जो भी था सब हम लोग ने होममेड किया है। तो इसका जो है कलर देख सकते हो पूरा निकला है, तो हम लोग का जो न्यूज़पेपर था वो भी चिपक चुका था उसमें, तो हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे फेस करने पड़े इस चीज़ के लिए। हम लोगों ने थर्ड फोर्थ बार हैंड मारा रहेगा इसके बाद, और ये भी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा निकल गया वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे। कलर मतलब कच्चा है अभी, इतना पक्का नहीं है कलर, ये कच्चा था इसके लिए हमें ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो थोड़े दिनों बाद शायद से हम लोग इसको वापस चेंज कर पाए, पर ये जो थी वीडियो हमें बेसिकली इतना ही बताना था कि घर से हम लोग मतलब कर रहे थे, होममेड था सब, जो भी था हम लोग ने घर पर किया है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। तो भाई आप घर पर बैठे भी ये सब कुछ ना कुछ अपने बाइक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब मैं ये क्लियर आने वाले वीडियोस में तो मतलब हम लोग ट्राई करेंगे गाइस कि अच्छे से कर पाए हाँ। इस टाइम तो इतना अच्छे से नहीं हो पाया, पर हम प्रोफेशनली ट्राई करेंगे कि तो कर पाए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा हो कि भाई जब ये बंदा बाइक का ये सब खोल रहा था तो दिन था, अब भाई अब रात कैसे होगा भाई? देखो मैं ये बताता हूँ कि हम लोगों ने कुछ पाँच में समथिंग चालू किया था, तो करते करते भाई सूख ही नहीं रहा था, अगर सूख रहा था पेपर पे चिपक जा रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था भाई, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इसको लेकर। बट फिर बाद में हम लोग डिसाइड किया भाई इसको जाके हम लोग घर पे एक जगह पे स्टेबल रख देते तो ये सूख जाएगा। तो फिर हम लोग ने अभी टाइम निकाला, थोड़ा देखा भाई सूख गया, तो हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया इसको, उसमें भी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो ठीक है चलेगा, अभी थोड़ा संभाल के ले लेना भाई, बस क्या अभी आप नहीं संभाल के लोगे तो और कौन संभाल के लेगा हमें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो होप्स अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून, बाय बाय।